आपकी पेंशन का सत्यापन करना है लेकिन आपके पास आधार कार्ड है और आपके पास पेंशन पीपीओ नहीं है, तो पेंशन पीपीओ आप किस प्रकार घर बैठे अपना निकाल पाओगे उसके बारे में आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। आपको पेंशन नंबर भी ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा और आप राज SSP के ऐप के जरिए अपनी पेंशन का सत्यापन घर बैठे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल बाबा में आ जाना है, यहाँ पर राज SSP लिख के सर्च कर लेना है। पहली वेबसाइट राज SSP की आ रही है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रिपोर्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको बेनिफिशियरी रिपोर्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर लेना। इस पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग लेगा क्योंकि पूरे राजस्थान का यहाँ पर बायोडाटा दिखाया जाएगा। अब आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी है यहाँ पर ब्लू अक्षर का लिखा हुआ है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको अपनी जो भी तहसील है वो उस पे क्लिक कर लेना। तहसील पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे फिर लोडिंग लेगा और यहाँ पर आपके जितने भी ग्राम पंचायत हैं वो ओपन हो चुके। तो यहाँ पर आप अपनी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेना है। ग्राम पंचायत को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो ग्राम पंचायत के अंदर विलेज और वार्ड है वो उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो आपको जो भी विलेज है आपका उस पे क्लिक कर लेना। उस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नाम दिखाई देगा बल्कि यहाँ पर पेंशन पीपीओ नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला है कि यहाँ पर अब की बार क्लिक नहीं करना है, जबकि आपको विलेज में जैसे भी आप ऑप्शन में आए तो यहाँ पर देखिए टोटल संख्या लिखी हुई है कि यहाँ पर जैसे कि अखगड़ा में 230 व्यक्तियों की पेंशन आती है, तो यहाँ पर 230 पे आपको क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर देखिए आपको पेंशन पीपीओ मिल जाता है। तो इस प्रकार आप अपना पेंशन पीपीओ निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।